हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके लिए मसाला आलू गोभी की सब्ज़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये जैसे गोभी मुसल्लम बनाते हैं वैसे ही ये है, पर इसमें मैंने आलू डाले हैं, बस इतना ही डिफरेंस है। मैंने गोभी लिया है 500 ग्राम्स, आधा किलो यानी कि। आलू लिए हैं मैंने, 3 छोटे छोटे आलू लिए थे, उसको लंबा लंबा काट लिया, वॉश कर लिया इन दोनों को। अब मैं इसको एयर फ्रायर में फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि ऑयल मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहती। पहले भी आपने देखा होगा मैं एयर फ्रायर में ही फ्राई कर लेती हूँ, तो बहुत अच्छी फ्राई हो जाती है हर एक चीज़। तो इसको भी मैं एयर फ्रायर में फ्राई कर रही हूँ, पहले गोभी को कर रही हूँ। ये देखिए फ्राई हो गई कितनी अच्छी, और ऑयल भी ज़रा भी ऑयल नहीं लगा इसके अंदर। और आलू भी ऐसे ही फ्राई कर लिए मैंने, ये देखिए आलू भी फ्राई हो गए। अब मैं इस तरह से इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी। अब मैंने एक जार लिया है मिक्सी का, उसमें अदरक डाल रही हूँ, लहसुन की 5-6 कलियाँ डाली हैं, प्याज डाल रही हूँ 2 रफली चॉप किए हुए, इसको ग्राइंड कर लिया मैंने, जैसे मसाला पीसते हैं वैसे मसाला इसका पीस लिया मैंने। अब मैंने एक पैन लिया है, पैन के अंदर ऑयल डाल रही हूँ मैं, क्योंकि इसको हम भूनेंगे। अब मैंने जीरा लिया है, जीरा डाल दिया है 1 टीस्पून इसके अंदर। इसके बाद जो मसाला पीसा है वो डाल रही हूँ मैं, ये देखिए इसको डाल दिया मैंने। इसको अच्छी तरह से भूनना है हमने, तभी अच्छी सब्ज़ी बनेगी ये। इसको गोभी मसल्लम भी कह सकते हैं वैसे, क्योंकि वही मेथड है, उसी मेथड से मैंने बनाई है, ये सेम रेसिपी ही है। ये देखिए मसाला भून रही हूँ मैं। ये देखिए, और मैंने टमाटर भी जो लिए हैं उनको भी ग्राइंड कर लिया था, 5 टमाटर लिए थे। नमक डाल रही हूँ 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर डाल रही हूँ इसके अंदर। मिक्स कर लेंगे मसाले अच्छी तरह इसके साथ, ये देखिए। इसके बाद फिर मैं जो टमाटो पीसे थे वो डालूँगी इसके अंदर। मिक्सर में ही मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था। अब मैंने गरम मसाला डाला है थोड़ा सा, 1/2 टीस्पून गरम मसाला मैंने घर में ही पीसा था, थोड़ा स्ट्रॉन्ग है इसलिए 1/2 टीस्पून डाला है। अब टमाटर डाल रही हूँ, टमाटो को प्यूरी बना लिया था मैंने मिक्सर में, ये देखिए इसमें डाल रही हूँ मैं। अच्छी तरह मिक्स कर दिया मैंने इनको, ये देखिए मसाले को अच्छी तरह भून लेना है ताकि मसाले भी पक जाएं और ये प्याज टमाटर भी पक जाएं हमारे। ये देखिए इसको चलाती जा रही हूँ मैं साथ साथ, इसको अच्छी तरह भून लेना, इसका पानी जो है पूरा सुखा लेना अच्छी तरह से, तभी अच्छी बनेगी ये सब्जी। ये देखिए अच्छी तरह से चला रही हूँ मैं इसको साथ साथ, ताकि अच्छी तरह मसाले भून जाए, पानी भी सूख जाए अच्छी तरह से इसका। कच्चा मसाला रह जाएगा तो अच्छा टेस्ट नहीं आएगा सब्जी का। ये देखिए अच्छी तरह भून रही हूँ मैं इसको, पानी देखिए काफ़ी हद तक सूख चुका है इसका। ये देखिए खाने में ये इतनी टेस्टी लगेगी आपको सब्ज़ी, बहुत ही टेस्टी लगेगी। जैसे हम सिंपल आलू गोभी बनाते हैं उसका अलग टेस्ट होता है, इसका थोड़ा अलग टेस्ट होगा, क्योंकि इसको मैंने एयर फ्रायर में फ्राई भी कर लिया था। और मिक्सर में ग्राइंड कर लिया था इसलिए इसका टेस्ट थोड़ा अलग ही आएगा। ये शाही टाइप की सब्ज़ी बनेगी, जैसे शाही सब्ज़ी बनाते हैं ना हम, वैसी सब्ज़ी बनेगी ये। अब इसके अंदर मैंने जो आलू गोभी फ्राई की थी एयर फ्रायर में वो डाल दिया इसके अंदर, ये देखिए मिक्स कर रही हूँ इसको मसाले के साथ अच्छी तरह से। अब इसके अंदर पानी डाल रही हूँ मैं, क्योंकि थोड़ी सी इसको गलाना पड़ेगा, गोभी इतनी जल्दी गलती नहीं है, फ्राई करने से भी नहीं गलती, तो फिर इसलिए इसको पानी डाल के मैं रखूँगी, अभी कवर करके रखूँगी और पानी डालूँगी थोड़ा सा।
ये देखिए पानी डाला मैंने और मिक्स कर लिया इसको अच्छी तरह से। अब इसको कवर करके रखेंगे 5 मिनट के लिए। कवर कर दिया मैंने 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद ओपन किया इसको, ये देखिए पानी भी सूख चुका है और ये सब्ज़ी गल चुकी है, अब अच्छी तरह से गल गई है ये। अब इसमें मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है, ये देखिए तेल छोड़ रही है ना, बिल्कुल कढ़ाई छोड़ दी है, सूख गई है बिल्कुल। अब मैंने इसमें मलाई डाली है, 2 टीस्पून मलाई डाली है इसमें, आप क्रीम भी डाल सकते हो, वैसे मैंने मलाई डाली है इसमें। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। मलाई डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसका, बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनेगी ये, आप इसको ट्राई ज़रूर करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये आपको कैसी लगी। ये देखिए मिक्स हो गया ये अच्छी तरह से। अब कोरिएंडर जो चॉप्ड किया था मैंने वो डाला है इसके ऊपर, ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना हमारी आलू गोभी मसाला, ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना। ग्रीन चिल्ली से मैंने इसको गार्निश किया है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।